राम राम भाई सब ने तो वेलकम टू निकेज वर्ल्ड। तो आज है 17 तारीख और आज है सैटरडे इवनिंग। मैं अभी काम पे आई थी, काम पे आने के बाद मन इनते क्या के बनाऊं के बनाऊं के बनाऊं, इनकी जीभ फिर इतनी चटोरी हड़े तक मेरे हाथ जितनी पूरी नु लंबी, इतनी लंबी जीभ निकली कि घर क्या बनाओगे बाहर ही खा जाते हैं। तो इस मारे हम बाहर जा रहे हैं, कहां वही टोरंटो जहां मेरे बर्थडे पे पिज्जा खाने गए थे वही पिज्जा खाने जा रहे हैं। इतनी लंबी जीभ निकले इनकी। अरे तुम सोचते हो कि हम रोज बाहर खाओ, नहीं रोज नॉर्मल डेज हो तो उसका मैं इतना व्लॉग नहीं बनाती। जिस दिन हम बाहर जाऊं उसी दिन मैं व्लॉग बनाऊं, तुम सोचो हमारी रोजे जीभ निकले रहे थे, ऐसा नहीं है। इब लास्ट बार हमने मेरे बर्थडे पे खाया था पिछले संडे ने, तो मतलब आज हफ्ता हो गया उस बात ने, तो वो इसने ऐसा लग गया है जुनू के भरा कितने दिन हो गए। मैंने थोड़ी कही, आप लोगों ने कही है। किसने, कौन है आप लोग? आप अटोनी। ओ बेटे ठीक है, मन हट गए थे। अब तो तैयार हो गए हम, मैं तो ये है तो रोटी खाने का टाइम हो गया। चलो अटोनी चल उछड़। कुकू आज की टी शर्ट छोटो उसको तो कुकू आप इन जूते पहन के चलो आज बार लगा शर्त की के बाद है चल पड़ा एंडी लागे नू भी के बात है नू नू सुस्ती मम्मी की तरह या क्या बात है भाई, गाड़ी में तो बैठना है वो ही एक जोड़ी जूता कहीं पिटवा लो, ऐसे थोड़ी कि भीतर का अलग बाहर का अलग। देखते थे स्टार जल रहे, हट 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 देखो गाइस जल रहे हैं, देख रहे ना कैमरे में नॉर्मल है, अंधेरे में दिख रोज रात देख के सोमो चलो रोज के देखे उनका मेरी मर्जी या मेरी है। ओ मेरी नहीं है, मैं तेरे तेल लाई थी यार, यो मेरा गिफ्ट पहन रहा है तू, हम मारूंगी भी थप्पड़। मेरी कितने मेरे? हाँ तो मतलब मन है तेरे ते गिफ्ट दे रहा, तू वो पहन रहा है दे रखा। अब मैं देख कुछ नहीं पहन रही, अपने पैसों का सब कुछ पहन रही हूँ, कुछ दया कर मेरे ते भी, खुद तो मेरी चीज पहन रहा है, जूते भी है मेरे दवाए हुए वे आड़े तो है, ये भी आड़े ना वे नहीं है, चल दूसरे दवा रखे होंगे। आज का युवा ना के कुकू कुकू के है आज का युवा, आजकल के नौजवान सांतल पिटी एक समा सांतल पिटी तो सैंतल यो सै पे ज्यादा जोर लगा आप दूध क्यों पी रहे हो अब, केसर के गरम करके जाऊंगा सारा केसर निपटा दियो। गाइस उस दिन जो पिज्जा खाया था ना मैंने वो बार बार याद आया, पूरे हफ्ते याद आया। अरे गाइस जिन्हें तो बता दे ऊंचा याद थी जिंदगी में, मैंने कितना कुछ खाया हो कुछ कुछ भी काम हो, मेरा पहली बार में कुछ पसंद नहीं आया आज थी जो दूर हो और जो दूर चीज हो ना मैंने मुझे भी पसंद आ जाए। ये भी एक घंटा दूर है ना, ये भी आता नहीं लागू की इस तो बढ़िया चीजें नहीं क्योंकि अब ये दूर है, दूर की चीज मुझे पसंद आती है, दूर के ढोल से आग लाते हैं पास की चीज में कुछ नहीं खाती है, बूस्टर लेके जाएगा तो मन छठी सातवीं बार बढ़िया लग गया। पर आज तो मैंने नहीं बोला इनको जाने के लिए, इन ने मेरे ते कहा है ना टोनी, कौन है गई मैं टोनी और आप, मैं तो नाटू थी कि यहीं खा लो यहीं खा लो यहीं खा लो, ये माने नहीं हंगा कर पागल हूँ ठीक है यहीं खा ले फद्दू सोचे राहुल खा लेने मेरे बर्थडे का केक बज रहा है, कर दी गैस बंद, चलो फिर रे कैंट लग रहा, लेट्स गो रे रंजे। तो गाइस जैसा कि तुम्हें पता है हम लोग गरीब हैं तो हम लोग अपने घर से ही ठंडा लेके जाते हैं ताकि हमें वहां खरीद के ना पीना पड़े, तो वो ठंडा घर पे रखा था और मैं वो ठंडा लाना भूल गई और छह बार कई भी और कुकू ने मुझे पहले बोली थी कि वो ले लियो वो ले लियो वो ले लियो, मैंने बोला ले लेंगे जाते हुए ले लेंगे जाते हुए, तब तक तैयार श्यार हो रहे थे तो फिर मैं उसको भी होता, मैं तो बैठी थी मैं तो बैठी थी तो फिर हम उसको वहीं भूल आए। तो अब फिर जैसे हम अपने चौक पे पहुंचे मुझे याद आ गया पेप्सी घर भूल गए, फिर कुकू को कुकू ने मेरे को स्प्राइट ने भेजेंगे कुकू ने मेरे को 70 सुनाई और अब इस स्प्राइट को भेजेंगे नीचे ये लेके आएगा
70 सुनने को मिली, क्योंकि आज तड़के तड़क मैं अपना टिफिन टुफिन बना के पैक करके घर आए भूल गई थी। उस बात पे भी नहीं, या आली बात या ठंडे वाली बात, दोनों चीज मिक्स करके मेरे तो 70 सुनाई है कि अपना टिफिन भूल गई थी या तो कुछ याद नहीं रखती है। तो नूक रिकॉर्ड मैंने जैसे कैमरा खोला शरीफ बनकर चुप हो गए। क्या हुआ? चार शर्मा मारेगा दो तीन ठाले ले चुपटेगा सर जान के करते आप इसको जाता है सही। मेरा भाई है वो ही लगता गाड़ी में दोनों हाथ को जमा लगा उतरिया है वो तो पैंट नहीं गिर जाए किसी का भाई पता नहीं, लेकिन हरियाणा वाले ने तो सबने बेरा होगा। जैसे ही जाड़े में या गर्मी में भी एसी चल रहा है, फिर भी जब ड्राइवर अपनी दोनों खिड़की खोल देता है साइड वाली तो बताओ कि वो क्यों खोलता है इतने भुंडे जाड़े -5 डिग्री टेम्परेचर में ड्राइवर -10 है जितना भी हो माइनस में ड्राइवर अपनी खिड़की क्यों नीचे करता है 2 मिनट के लिए, ये बात तुम कमेंट में बताना कि ऐसा क्यों किया ड्राइवर ने क्यों मेरी भी खिड़की तारी और अपनी भी खिड़की तारी, लेकिन फिर भी मुझे पता चल गया ये किसने किया है। राहुल ने फोन तार करा था क्या कि थोड़ी खिड़की खोल दे। राहुल ने कुछ नहीं करा, मुझे पता आपने क्या कर रहा था पीछे वाले भी हो सोने की तो गार के को देखो आप ऑफ कैमरा आपने क्या कहता, क्या टाइटल लिखो इस व्लॉग का, राहुल ने मारा गाड़ी में पाद आगे सबटाइटल आगे सबटाइटल नहीं है बड़ी बात है कि टंगी है नहीं राहुल को है कि जब तक मैं थारे थोर रहो ना थारी जो कुछ भी बात हो कितनी सीरियस कितनी किसी चीज की बात हो लेकर तब उस बात ने कैसे ना कैसे करके गू पे लेके छोड़ दो मगाया तो हमारे सारे घर के याद से हम तो सारे ऐसे ही कुछ भी बात हो लेके वहीं छोड़ देंगे इस व्लॉग का टाइटल डालूंगे राहुल ने मारा गाड़ी में डैश उसको तुम फिल अप करना और दोबारा बोलेगी को मैं इसकी शक्ल भी दिखा दे मारता किसे होगा रोज के 4 ठंडे भी हुए ठंडा मतलब राहुल हाँ इतनी कोल्ड ड्रिंक पी हुए इब तो छोड़ रखे है ना रोटी गेला ठंडे पीने की चीज है रोटी गेला ठंडा पियूगा और चकती पावटी बना के पियूगा दूध में ठंडा कच्चे दूध में भी चीनी गेरे 2 चम्मच चम्मच नहीं चमचे ओके गाइस राम राम कर लो सारे जेने देखा अरे ऐसी तो कर रही थी अभी आने तो दो कर लो गाइस राम राम हनुमान जी को और इधर गणेश जी को और सरस्वती माता को और उधर मंदिर बोलेगे झूठ भी हो इस लेवल की बोला है ना तो मोटी मोटी खप जा कती नु अच्छा छूका वगैरह तो खपे नहीं। इबे हम आयल्स और पीटी की बात कर रहे थे तो राहुल बताओ उसके आयल्स में 4.5 बैंड आए थे बेइज्जती की क्या बात है तेरे आए नहीं सकते मैं मानू ही नहीं ग्रीन ने तो गड़ी ने क्या है हरी राहुल नहीं 4.5 तो नहीं आए होंगे तेरे ये बताइए क्या क्या लिख रहे बोर्ड पे कौन से पा इस पे जो जा लेगा नॉर्थ नॉर्थ हां नॉर्थ नॉर्थ कितने 4.5 आ रहे हैं ओवरऑल स्पीकिंग में 3 आ रहे हैं 3 की स्पीकिंग कितनी स्पीकिंग तेरे की भी खोल राहुल चल स्पीकिंग दे के दिखा राहुल नॉर्थ ने तो नोड क्या था राहुल डिस्क्राइब एन इंसिडेंट यू रिमेंबर द मोस्ट वो तो मेरे को बोले ही नहीं गया डिस्क्रिप्शन दिया था भाई 30 सेकंड सोचकर फिर बोलिए लंबा फिर बोले ही नहीं गया तो क्या दे है नुगा लंबा पूरा 30 सेकंड ये होता है 1 मिनट रुक क्या रहे पूरा लंबा कर दे राहुल कुछ तो बोल के तो दिखा राहुल बोलिए लाओ लंबा ना राहुल नु कह चल कुछ और बता दे राहुल कुछ और बता दे तो नहीं पूछना कुछ इंग्लिश के बारे में नहीं पूछे हिंदी में हिंदी में पेपर देखा आया था नहीं क्या हिंदी में थे 4:30 थी ना था प्रॉपर हिंदी में ले ना प्रॉपर में जब भी ना आए के ई भी यहाँ पे पीटी भी वैलिड कर दी ना जो पीआर का पेपर देना है तो भी हम पीटी भी दे सके उससे भी वैलिड कर दी तो मैं इस दुविधा में हूँ कि मैं आयल्स करूँ कि मैं पीटी करूँ पीटी का तो मैंने फॉर्मेट भी नहीं पता मैंने तो आसान ज्यादा आयल्स ही लागे पर यह नु कहे कि पीटी ज्यादा आसान है
और ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आ उसमें। अब देखूंगे का दस स्टडी करके के एपीटी का सिस्टम, नहीं तो आईएलटीएस का तो मेरा है वो सही लगा। राहुल के 4.5 आईएलटीएस मारे हैं हां, तो तेरे तो 9-10 आने चाहिए, का एक्स्ट्रा आना चाहिए। चेहरे में लैग हूं तू फुल ना लैग है पूरा। हाँ गाइस, तो मैं घर पे तुम लोगों को बताना भूल गई थी कि हम लोग क्यों जा रहे हैं आज बाहर खाना खाने, जब मैंने तुम्हें इन शॉर्ट ही बताया था। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बताती हूँ, क्योंकि आज जो टोने के मम्मी पापा है यानी कि हमारे मामा मामी, उनकी एनिवर्सरी है। तो इसीलिए हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि फैमिली की चीजें सेलिब्रेट करना, हम लोग ऐसे बच्चे हैं। चाहे वो वहाँ हुआ है, जो कर मेरा बर्थडे था तो उनने केक कटवाया था, वहाँ उन्होंने वहाँ पार्टी करी थी, तो अब हम यहाँ पे है तो हम यहाँ पिज्जा जाके खा के आएंगे, और इस ट्रिप के पैसे हम मामा आने के बाद आपको भेज देंगे, आप हमें स्पॉन्सर कर देना ये ट्रिप। यहाँ कनाडा नहीं भेजो तो हमारे इंडियो वाले खाते पे भर देना। इंडियो वाले इंडिया वाले। हाँ गाइस, तो कल डग्गू का फोन आ रहा था, मैंने थोड़ा वाइड एंगल लिया, तुमने थोड़े पतले पतले और बड़े बड़े दिखते होंगे, पतले पतले दिखते होंगे मतलब, खास करके मैं। कल डग्गू का फोन आ रहा था, वो कलर कर रही थी, वो क्रियोन्स कलर ले रही थी, छोटे छोटे याद है ना क्रियोन्स कलर्स ने के क्या करते, तो राहुल ने देखे, राहुल देखते ने बोला ये तो मोमिंग कलर है, मैं हर कुकू एक दूसरे के देखे मगर मोमिंग कलर, फिर 30 सेकंड बाद रियलाइज हुआ अच्छा यो मोम कलर जो अपनी ज्योमेट्री लड़ाई कौन से मोमिंग कलर, फिर याद आया ये मोम छोटे से तो मोम कलर रे क्या करते हाँ टाई नहीं आईएनजी लगा के वो इंग्लिश का शब्द बना दिया मोम की आईएनजी करके इंग्लिश में होगा मतलब मोमिंग कलर, और फिर वो तो मोमिंग कर दिया, और मखा स्केच कलर ने की क्या करे नुका स्केचिंग कलर मगा सब आईएनजी लगा दे इंग्लिश बना दे। राहुल ने इंग्लिश में क्या कहेंगे, राउलिंग खाने जा रहे हैं हम, पिजलिंग कुकलिंग। राहुल तुम इंग्लिश में पूछे क्या खाना जा है, राहुल के खाने जा है वो निकिता बताएगी वेयर आर यू गोइंग इन टोरंटो, नहीं के खान के जानू बता पिज्जा नहीं पिजलिंग खान जा। ओके गाइस, तो डिस्कस करते करते हमारा प्लान चेंज हो गया, हम लोग वो पिज्जा खाना आए थे, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने एक जगह रील्स वील्स में देखी थी हिमालयन किचन के नाम था, वहाँ पे बहुत अच्छा तिब्बतन खाना मिला, मैंने बहुत हाइप सुनी चेंज नहीं है गाइस ऐड होया है, ऐड होया मतलब वहाँ तो जाना है पर या मैंने एकदम एड्रेस भरा रही हो 3 मिनट की ड्राइव पे था, मैं कहा चलो पहले इसने चाख लिया धनमाग लगा दो है ना यो खाऊं मैं, वैसे पता नहीं क्या होया मैं मोमोज खाती हूँ लेकिन इतनी ज्यादा रील्स देख ली मैंने पसंद भी नहीं है मोमोज, मैं इंडिया तो खाया भी नहीं करती, एक ही जगह खाया करूँ थी दिल्ली थे, कौन सी जगह थी वहाँ करोल बाग में खाया करूँ थी बस दिल्ली थे, और मैं कितने नहीं खाते कदे मैंने मोमोज खाए, आज देखती हूँ यहाँ खा के कैसे है तुम्हें भी दिखाऊंगी। मरे से पैसे बचाने थे हमने रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी है, अरे चला मगर जितने का खाऊंगा उतने का चलान कटेगा, रेल रोड पे चलने वाली रेल, मैं जाके जगह ले लेती हूँ, देखते हैं क्या मिलता है, अभी है कुछ के नहीं मिलता, ऊँ आई हूँ बस। भाई हिमालयन किचन और लैन तो है, हम उड़े गए थे 2 घंटे बाद नंबर आओगा, और ये उसकी बिल्कुल साइड वाली दुकान है बस देख लो, लक भी है और चीज बड़ी है तो चले भी है, बाकी लक की भी बात हो है एक रहे, अरे पर अब हम चलते हैं क्योंकि उनने नंबर लिखवाया, छोटा रेस्टोरेंट है ना पर इतनी कसुत्ती खुशबू उठ रही थी, पर हम अपना नंबर लिखवाया है तो वो उन्होंने कहते 1.5 से 2 घंटे में नंबर आओगा, हम कॉल करेंगे जब आ जाइयो यार्डे तक गेट आउट हो लो, तो हम अपना नंबर लिखवा कर हमने सोचा पहला फिर पिज्जा ले जाऊं, अपे चलते हैं और पिज्जा थोड़ा थोड़ा खाया तो फिर यार्डे खाऊंगे, क्योंकि यार्डे भी बहुत जबरदस्त थी भाई है ना कुकू, चाउमीन तो मन देखा ना लोग के खाऊं थे, चाउमीन मंचूरियन स्प्रिंग रोल और मोमोज तो गजब थे, तो आऊंगे यार्डे जरूर। ये तो सा चला यो देखो भाई यो वो कैफे है जो तुम पिज्जा खाना है कितने गए मारे करके, लेट्स गो गाड़ी रुकेगी क्योंकि पहले मैं आई हूँ ना तो पहले साफ जाएगा, भीतर तो भीड़ है थोड़ी सी, इतनी नहीं है पर कि 2 घंटे की वेटिंग हो, यार्ड तो जाऊंगी कुकू जी यहाँ से लाइन में, कनाडा में रूल्स फॉलो करती हूँ मैं।
का सुता काम कर रहे हैं, घड़ी घुमा दो जब भी क्लोजर ओपन करना हो किसी और टाइम पर। सही है ना गुप्पी एंडी। ओके भाई अपना पिज्जा और बहुत ज्यादा के बताऊं, बस भूख लग रही है, बाद में बात करेंगे। चाल पड़े भाई हम लोग खा खू के। अरे टोनी और मने तो खा लिया अपना नॉर्मल, इन दोनों भूखी नीत के हैं दोनों, इनने एक केक स्लाइस खाई। इतनी जगह रखेंगे मोमोज खाऊंगे, इतनी जगह रखेंगे, मैं टोनी भर लिए मगर इससे मत खाओ। मारा ने डन हो लिया काम, इनका है वो दिक्कत है, इनने मारा टम्मी छोटा थारी तेरी भूखे नीत के रख दी। इनने एक केक स्लाइस खाई फिर मारी मांगे दे दो दे दो दे दो, मगर अपने ले लो। बहुत इंटरेस्ट लेंगे भाई। हम मोमोज वाली दुकान के बाहर वेट करेंगे, 45 मिनट होगी लेकिन अभी तक उनका फोन नहीं आया, तो एक जाके देखते कितने और वेटिंग है। राहुल तक आओगे उन तब बता। हाँ राहुल ने भेजूंगी क्योंकि वे चीनी बोलेंगे। राहुल सब कुछ मिक्स बोलेगा। देखते हैं कैसे। मेरा तो टू स्लाइसेस में सिस्टम हैंग हो चुका है। मैं तो नुको छोटो नहीं की करे मोमोज वाली जगह पर जाके वेट करना है। ये नुको तेरी थी हमारी ना थी, तो नहीं तेरे पेट में रह रही जगह। फालतू खा लेते मारते दूसरी जगह की। अच्छा मरे कितनी देर थी शरबत चल रहा था, मजा आ गया। पर कैसे क्रंच हर एक बाइट में क्रंच निकलती पिज्जा की है ना, प्रॉपर इटालियन, प्रॉपर इटालियन पिज्जा था। इसे तो किटकैट खवा दियो कचर कचर तार में। या इसका मजा अलग था, प्रॉपर मतलब अलग टाइप का पिज्जा था। उड़े वो धर रहे कुकुनू को इन तो पूछ ले चिकन वाला पिज्जा है क्या, चिकन वाला पिज्जा है क्या। मैंने कहा चिकन चुकन कित होगा, फिर मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा चिकन है कुकुनू का, नहीं सारे मीट मूट मिक्स है। फिर भी कुकुनू का ये एक ना मतलब वो प्याज के शेप से कर रहा था, नुका गंठे वाला ले दे, मेरा तो ये गंठे वाला ले दे। मैंने उससे नु कहा, मैंने कहा यो गंठा है वो, नु कहा ना ना यो तो सुअर है। मैं कहा था सुअर ना अपने दोरा रख वेज वाला दे दे जो लेना हो। मैं यार सुअर खवाऊंगे यार, यो बहुत दिक्कत हर एक जगह वेज ऑप्शन मिलते, नॉन वेज ये तो इसी लाइट लगा रही है ये हिमालय नाले कि जनू है ही नहीं भीतर कुछ है। हाँ। हमारे पीछे की जब खड़ी कर रखी है गाड़ी, बीच में जगह है नहीं, क्या आगे कर गए हैं, आगे कर दी नहीं अच्छा यहाँ भी पूरा ठाली ने एक सणा आदमी तारा गाड़ी में, ताकि सणा आदमी पूछेगा सारे के करेंगे, तब मैं जाऊं तो पूछ खाऊं क्या सिस्टम है भाई, इतने एक घंटे पहले नंबर लिखवाया था होगी बारी के नहीं। पूछा ही उन नैनू कहा कि 15-20 मिनट और लगेगी, मरता गए कि जना हो रहा, मैं ठूसेंगे पहले फिर हमारी बारी आओगी, फिर हम ठूसेंगे। पर इतना वेट करने के बाद कुकू बढ़िया नहीं पाया, तो काटा और के मारा ही नहीं गए। चिन्नन हाँ मेरे तो बार बार नुका बाहर जाओ, मैं कहता ना बेटा बाहर कितना जड़ है। बाहर जाओ बाहर जाओ कहते सुना दी क्यों तेरे, वो क्यों सुना होगा नुका होता, लेकिन बाहर जाओ मैंने कहा बाहर। राहुल बोला कोल्ड, राहुल को व्हाट कोल्ड, नो बार कोल्ड बार। मगर चाल गाड़ी में मारेंगे भी चिन्ने पकड़ कर रहे। तो राहुल देखने गया भाई भीतर रहा बा मुझे जो करोगी। राहुल मुझे होगी वी सिट नंबर आइंग आई आई एन जी लगाया होगा, नंबर आइंग वी सिटिंग ना कही होगी, बैठ जाएंगे नंबर आइंग। राहुल नंबर आएंगे ईशे है भाई है मारते नु बोले कि जो कर ऑर्डर कर दिया हमने, तीन चार चीज नु बोले कि जो भी ऑर्डर करना है ना एक के बारे में ऑर्डर करो, जो कर तुमने खा लिया फिर तुमने कुछ बढ़िया लगा तुम दोबारा ऑर्डर करोगे ना तो देवे को ना दोबारा लाइन में लागो फिर बाहर जाके फिर देवेंगे। फिर एक डेन छोरी काम करती, मैंने उससे पूछा कि एक खान को ठीक भी मिल लगा के नहीं, तो अनु कह बढ़िया है, तो अब खा के देखेंगे। हमने वो मंगाए हैं मोमोज, मंगाए स्टीम डाले नॉर्मल, चाउमीन मंगाई है और वो मंगाए हैं हनी चिली पटेटो मंगाए हैं, अब देखते हैं कैसा आता है। जगह तो है नहीं पर बनाएंगे। पहली चीज है यार मैंने इन तक कहा खाइयो मत ना काटूंगी, पहली चीज रुक जाने मुच्छड़े चम्मच बड़े हैं ना देख। हां बड़े तो ये पर खुशबू खुशबू देखी मतलब कि खा ले मैं गाइस फिर मिलेंगे जुड़ सालों बाद रहता हूँ जरूर आके देखियो
कोई पेड़ देखी खुशबू खुशबू मैंने सूंघी मैंने कहा देखी पूरे क्रंची है। ते हनी चिली पटेटो थे, इनमें चिली बहुत कम थी, हनी ज्यादा था, पर हम फिर भी खा गए। अब ये आई है चाउमीन और ये आए मोमोज, अब ये टेस्ट करेंगे और फिर बताते हैं कि कैसा जुगाड़ है इनका। कदे मुंह फकवा ले पैर डे भाई गरम मेरा खत्म हो रहा है। ले गया नहीं ये उठा लेगा, इसमें खा जाएगा। के लेगा कौन तेरा छोटा अपना उमर दर्द दिया कोनी का खा लिया। मोमोज तो बढ़िया है, पूरी चर्ची की सोच है। चलो मिलते हैं गाइस खाने के बाद। शू एक वीडियो बनाओ, अजीब जानवर है जितना भी खाए। खा लिया भाई, हम सब हो गए डन। जब तक कर लिया पैक, जब तक जबाड़े नहीं दुखे, जब तक इतना फुलटू खाया। अब हम चलते हैं, बिल ले आओ बस एक बार। अरे ऐसा कोई हाई पाड़ा बहुत ज्यादा प्लेस नहीं है तो बेशक तो मत आइए। नॉर्मल खाना था शायद, हमने पिज्जा तो पेट भरा पर वो भी नॉर्मल था जो ब्रैम्पटन में भी मिल सके। ऐसा कुछ नहीं है, आना जरूरी है। ब्रैम्पटन में भी लोकेशन पर इतना कुछ बहुत एक्सट्रीम बढ़िया नहीं है, बढ़िया है ठीक है नॉर्मल। ओ भाई साहब झंडा था बाहर, 10 बज गए और पेट पाट गया गति, पेट तो दिक्कत हो गई। इंडिया तो नया नया आया, बीमार नहीं लग रहा। एनडीसी ग्रादाक है, चाय पियेंगे, पाचा नहीं लेंगे क्योंकि चाय बिना डिनर कंप्लीट नहीं हो सकता। पर घड़े तक भर गई मैं तो यार, जब बता पीनी पड़ेगी थोड़ी बिना मीठे की चाय। फाइनल रिव्यू दे देती हूँ पिज्जा वाली जगह तो बेस्ट जो है कनाडा से देखता हूँ, वो जरूर वहां जाके पिज्जा ट्राई करियो। पर या जो हमने दूसरी जगह बताई थी इसकी लोकेशन ब्रैम्पटन में भी है तो वहां पे भी खा सको। और या कुछ इतनी ज्यादा खास नहीं थी, मतलब नॉर्मल चाउमीन नॉर्मल वो था, ऐसा कुछ जो जीशा कनाडा में टेस्ट हमने भी रहा कुछ ऐसी एक्सट्रीम बढ़िया वाली नहीं थी। और वैसे कुछ मैं तो यहाँ तक भर रही थी क्योंकि मैंने दो स्लाइस पिज्जा खा रखी थी, इसलिए मैंने बढ़िया इतना ला गया भी नहीं सच बताऊं तो। इतना था भी नहीं, अगर हम भूखे होते तो शायद अलग ओपिनियन होता। हम तो थे ये भूखे थे पर इनको भी नहीं ज्यादा खास लगा। तो फिर अब चल रहे घर की तरफ, और तुमने बेरा घर आ जाती आना फालतू नहीं बोला जाता। तो अब मैं शायद ही कोई क्लिप बनाऊंगी घर जाने के बाद, मिलते अब। ओके गाइस, तो हमने खा पी लिया, अरी बोल रही है अपनी सोन की तैयारी। तुम लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दियो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करियो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लियो और लाइक भी ज़रूर करियो सारे जने, ठीक है? फिर अगला व्लॉग डालेंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।